नमस्कार। तो जिस लोकसभा स्पीकर के पद को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बड़ी जद्दोजहद थी, उसकी तस्वीर आज साफ हो गई है। आखिरकार एनडीए के सांसद ओम बिरला को लगातार दूसरी बार स्पीकर चुन ही लिया गया। ध्वनिमत से निर्विरोध बिरला का चुनाव हुआ। हालांकि विपक्ष ने मतदान की मांग भी रखी थी, लेकिन प्रोटेम स्पीकर ने इसे खारिज कर दिया। लेकिन खास बात यह रही कि इसके बाद इंडिया गठबंधन ने इसका विरोध नहीं किया और बिरला फिर से लोकसभा स्पीकर चुन लिए गए। सदन में आज कुछ अलग सा माहौल देखने को मिला। पीएम मोदी के साथ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी स्पीकर को आसन तक छोड़ने गए। विपक्षी नेताओं ने नए स्पीकर के तौर पर बिरला को बधाई भी दी, लेकिन उनके पिछले कार्यकाल के कुछ विवादास्पद फैसले, कुछ इश्यूज पर नसीहत भी दे डाली। मसलन सांसदों के निलंबन का मुद्दा हो या फिर विपक्ष की आवाज दबाने का मामला हो, एक बार की तो ऐसा लग रहा था जैसे कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में जैसे सदन की गरिमा के सिद्धांतों पर सहमति बन गई हो। इसके बाद स्पीकर ने आपातकाल का जिक्र करते हुए कहा कि इंदिरा गांधी सरकार में आपातकाल लगाना संविधान के खिलाफ था, और इसी मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष ने स्पीकर पर आरोप लगा दिया कि आप बीजेपी का एजेंडा चला रहे हैं। इस तरह आसन और विपक्ष के बीच आज पहले ही दिन गतिरोध पनप गया। ऐसे में क्या उम्मीद की जाए कि 5 साल सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच मुद्दों पर स्वस्थ चर्चा हो पाएगी? क्या जनता के हितों से सरोकार रह पाएगा सदन का? इन्हीं सभी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज कुछ खास मेहमान हैं। सबसे पहले मैं नाम लूंगा पूर्व राजस्थान की पहली महिला और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बीजेपी से ओम प्रकाश यादव जी हैं, कांग्रेस से रवि सिकदार जी हैं, आम आदमी पार्टी से राजपाल फोगावट जी हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित्रा जी शायद अभी कनेक्ट नहीं हो पाई है, तो कांग्रेस से रवि सिकदार जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही करूंगा, क्योंकि विपक्ष मांग कर रहा था कि हमको डिप्टी स्पीकर का पद अगर नहीं मिलता है तो हम स्पीकर अपना सुनेंगे, लेकिन बाद में आपने विरोध क्यों नहीं किया? जब निर्विरोध चुनने की बारी आई तो आपने सहमति जता दी, तो क्या वजह रही और क्या उम्मीद रखते हैं आप जो स्पीकर का जो दूसरा कार्यकाल है उससे क्या उम्मीद है आप लोगों की? अब रवि जी, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसका मुखिया जिसके आज अध्यक्ष के रूप में ओम बिरला जी ने पद ग्रहण लिया है, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साथ ही जो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने उनको सदन में हिदायत दी है, नसीहत दी है, उस पर भी मैं पूरा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आप निष्पक्षता के साथ और पूरी पारदर्शिता के साथ विपक्ष को अहम भूमिका और ईमानदारी के साथ अपनी बात रखने का अवसर प्रदान करें। साथ ही आपने बात की स्पीकर के पद को लेकर क्या राय है, देखिए ये सब बातें हमारे आला कमान बैठकर तय कर रहे हैं उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है, लेकिन मैं सिर्फ इतना सही कहूंगा कि इस बार जो आपने पहले ही दिन शुरुआत कर दी एक पक्षपात वाली रणनीति की कि आपने आते ही इंदिरा गांधी जी का जिक्र करते हुए आपातकालीन की बात शुरू कर दी, तो ये आपके चलने वाली चीजों में से नहीं है। आपको जिस दायित्व का निर्वहन करने के लिए सदन पर बिठाया गया है, नेता प्रतिपक्ष हमारे राहुल गांधी जी ने आपको सम्मान सिंहासन पर विराजमान किया है, तो आपको विपक्ष का सम्मान करते हुए अपनी बात रखने का पूरा महत्व और समय देने के लिए मैं उनको आभार करता हूं। आप डिप्टी स्पीकर की मांग कर रहे थे, लेकिन फिर क्या हुआ, बैकफुट पर क्यों आ गए? और दूसरी बात यह कि डिप्टी स्पीकर को आप परंपरागत तरीके से बता रहे हैं कि परंपरा का निर्वहन करते हुए जो विपक्ष को मिलना चाहिए डिप्टी स्पीकर, लेकिन सदन के भीतर तो एक बड़ी लंबी फहरिस्त गिना दी गई कि कांग्रेस के कार्यकाल में जो स्पीकर भी कांग्रेस का ही था और सत्ता पक्ष का ही डिप्टी स्पीकर भी था। देखिए इस पर जो भी निर्णय होंगे या जो भी बात हमारे नेताओं द्वारा रखी गई थी उस पर हमारे नेता और अलगमान तय करेगा, इंडिया गठबंधन तय करेगा कि इस पर आगे के लिए हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। उन्होंने जो भी सूची हमें दी कि हाँ स्पीकर भी और डिप्टी स्पीकर भी सत्ता दल के पास रहा है, तो जो भी चीजें हमारे इंडिया गठबंधन के लिए उचित होगी और जो इंडिया गठबंधन बैठकर निर्णय लेगा वो उस पर काम किया जाएगा। राजपाल फोगावट जी आम आदमी पार्टी से, मैं ओम प्रकाश यादव जी की तरफ बाद में आऊंगा, आपसे एक सवाल ये है कि आपके नेता हैं, पार्टी के प्रमुख हैं, उनका सुनवाई का कार्यकाल, सुनवाई होनी थी सुप्रीम कोर्ट में,
उसी दौरान फिर एक और उनके ऊपर प्रहार, मान लीजिए आप इसको, सीबीआई पहुंच जाती है और सीबीआई उनको फिर से अपनी हिरासत में ले लेती। क्या माने किस तरह का देखते हैं, क्योंकि आज से स्पीकर का भी चुनाव हुआ है और कहीं ना कहीं हाउस के अंदर आज जो अरविंद केजरीवाल है उसकी गिरफ्तारी को लेकर किसी भी तरह की कोई चर्चा नहीं हो पाई है। हालांकि पहला ही दिन था और आज पूरा दिन लोकसभा जो अध्यक्ष है उसके चुनाव भी हुआ है और फिर उसके बाद उनके बधाइयों का भी चल रहा है, कल से पूरी प्रक्रिया शुरू होगी, पूरा प्रोसीडिंग शुरू होगी लोकसभा की। लेकिन किस तरह देखते हैं आप, किस तरह सदन के भीतर अपनी आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि आप कहते रहे कि अपने आपके नेता को बिना ही मतलब, बिना किसी जो साक्ष्य के, बिना किसी दस्तावेज के और ईडी ने गिरफ्तार किया है और सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं एक तरफा इस पर फैसला करना चाहती है। जी बिल्कुल सही कहा विजय जी आपने, आज का दिन 26 जून बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। सर्वप्रथम मैं माननीय ओम बिरला जी को लोकसभा के स्पीकर पद पे चुने जाने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लेकिन इसके साथ ही आज के दिन में एक ऐसा वाकया हुआ विजय जी जो कि इस पूरी एक्सरसाइज पे प्रश्न चिन्ह भी खड़ा करता है। ओम बिरला जी ने जो इमरजेंसी की बात उठाकर, जो एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव एक पॉजिटिव वातावरण में जो आज के दिन की शुरुआत हो सकती थी उसको थोड़ा धूमिल करने का प्रयास किया है। और हमें इसके साथ में ये नहीं भूलना चाहिए ये वही ओम बिरला जी हैं जिन्होंने पूर्व कार्यकाल में 100 से ज़्यादा सांसदों को एक ही बार में निलंबित करके एक अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति उत्पन्न कर दी थी। तो ये बिल्कुल से सोचने वाली बात है। और इसके साथ ही जहां तक आपने ईडी और सीबीआई का सवाल पूछा है तो ये सारी आप देखिए कि कड़ियां जुड़ी हुई हैं, कड़ियां आपस में जुड़ी हुई हैं कि आप एक राजनीतिक द्वेष के चलते बिना किसी सबूत के, बिना किसी एक प्रॉपर चैनल के आपने दो प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को जेल में गिरफ्तार करके रखा। माननीय अरविंद केजरीवाल जी जिनकी आज बहुत हाई चांसेस थे कि उनको हाईकोर्ट से जमानत मिल जाती, तो उसी चीज से बचने के लिए उन्होंने जेल में बैठे हुए बंदे को सीबीआई वहां भेजकर उनको गिरफ्तारी की वो प्रक्रिया चालू करवाई। आप सोचिए किस प्रकार का राजनीतिक द्वेष है, जहां अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को प्रतिद्वंदी नहीं मानकर उन्हें दुश्मन की तरह आंका जा रहा है जैसे वो कोई बहुत ज्यादा टेररिस्ट हो। आज आप देखेंगे जब वो वहां पे जब उपस्थित हुए तो उनका शुगर में भी बहुत इश्यूज। ऐसे इंसान के साथ में आप सिर्फ और सिर्फ बदले की भावना, क्योंकि उस आदमी ने बहुत डंके की चोट पर अपनी आवाज। मेरा सवाल ये है कि सदन के भीतर आपके तीन सांसद हैं इस बार विपक्ष के साथ, अपने गठबंधन इंडिया गठबंधन के साथ आप शामिल हुए थे, विपक्ष आपकी आवाज को किस तरह उठाएगा, आपको क्या उम्मीद है, और आप अगर जो इंडिया गठबंधन की तरफ से अपनी आवाज उठाएंगे तो क्या पहलू होंगे, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि विपक्ष इस बार मजबूत है तो क्या उम्मीद है आपको? देखिए विजय जी, सर्वप्रथम तो जो एजेंडा है वो हमारे जो राजनीतिक दलों के जो मुखिया हैं वो बैठ के तय करेंगे किस प्रकार के मुद्दे किस समय और किस तरीके से उठाए जाने हैं। जहां तक बात हमारे अरविंद केजरीवाल जी की बात है तो वो भी बिल्कुल से एक बात है, आज चूंकि सर्वप्रथम ही दिन था ये मुद्दा भी बिल्कुल से उठाया जाएगा और जो भी जनहित के मुद्दे हैं जिनके ऊपर आम आदमी पार्टी पूर्व में काम करती आई है उन सभी मुद्दों को उठाया जाएगा। और खासकर वर्तमान परिस्थितियों में आप देखेंगे जिस प्रकार से लीक पे लीक जो चल रहा है, नीट यूजीसी यूजी में आपका पेपर लीक हो गया, आपके नीट पीजी के अंदर पेपर लीक हो गया, नेट की एग्जाम में पेपर लीक हो गया, यूपी में पुलिस उसमें आपके पेपर लीक हो गया, जो बहुत ही बड़ा मुद्दा है। और जहां तक राजस्थान की बात है हम यहां से भी बिल्कुल से वो करेंगे कि जो हमारे सांसद हैं उनको अवगत कराएंगे किस प्रकार राजस्थान में बिजली कटौती, अभी आप देखेंगे जो अभी पिछले एक महीना बीता है किस प्रकार से राजस्थान में लोग बिजली की कटौती से त्रस्त हैं, पानी के कारण त्रस्त हैं। दिल्ली में बिल्कुल से आपने हरियाणा का पानी रोक दिल्ली के लोगों को परेशान कर रखा है। इन सभी मुद्दों को जो ओपी यादव साहब आपको शुभकामनाएं, वैसे तो शुभकामनाएं देने की देना नहीं बनता है क्योंकि एक संवैधानिक पद है ये और पहले इस पद में शुभकामना नहीं दी जाती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है वही चुने गए हैं, तीन बार के सांसद हैं और फिर से दोबारा लोकसभा अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। लेकिन
जो पिछला कार्यकाल है 5 साल का वो विवादास्पद रहा है, कई मायनों में रहा है। आप भी जानते हैं विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहे, 100 से ज्यादा जो सांसद हैं उनको लोकसभा से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, उनका निलंबन कर दिया गया, और ये इतिहास में पहली बार ही हुआ है। किसानों का मामला हो या महिलाओं से जुड़ा मामला हो, मणिपुर वाले मामले में भी अभी जो विपक्ष के नेताओं ने जो आज पहले ही दिन उनको नसीहत दी है कि इस तरह के मामलों में खामोश नहीं रहना चाहिए, सदन को मुखर होकर बोलना चाहिए और बोलने देना चाहिए, स्पीकर को मौका देना चाहिए, सत्ता पक्ष पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं तैयार करना चाहिए। किस तरह देखते हैं, दूसरी बार का कार्यकाल है और एक और टैग लगा हुआ है, जो भी लोकसभा स्पीकर बनता है उसका दूसरा कार्यकाल अधूरा ही रह जाता है। आपको क्या लगता है, 5 साल पूरा करेंगे आपके जो ओम प्रकाश जो बिरला जी हैं लोकसभा अध्यक्ष जो नए निर्वाचित हुए हैं, और किस तरह की भूमिका देखते हैं? देखिए विजय जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, आपके चैनल को धन्यवाद, और आपके चैनल के माध्यम से हमारे जो लोकसभा की स्पीकर बने आदरणीय ओम बिरला जी, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मेरे साथ में जो भी पैनलिस्ट हैं उनको भी सभी को नमस्कार। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का आज बहुत ही, मैं कहता हूँ, ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि हमारे एक सांसद एक संवैधानिक पद पर दोबारा से पुनः विपक्ष में बैठे हुए साथियों का भी धन्यवाद ज्ञापित कर दीजिए, हमने भी शुभकामनाएं प्रेषित की है आपको। बलराम जाखड़ी के बाद में अब यदि कोई दोबारा से लोकसभा स्पीकर बनाया तो यहाँ पर भी निष्ठापूर्ण निर्णय मतलब अपना पेश कर रहे हैं। ओम जी बिड़ला बने। जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने कहा कि उनका पिछला कार्यकाल विवादास्पद रहा, विवादास्पद अपना अपना नजरिया होता है देखने का, विवादास्पद कार्य क्यों बनाया जाता है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कल जब सेशन शुरू हुआ था लोकसभा का, उससे पूर्व संसद से जनता को संबोधित किया था उन्होंने, और उन्होंने ये कहा, लेकिन दूसरा कार्यकाल इनका चल पाएगा क्या, क्योंकि पीए संगमा ले लीजिए, सुमित्रा महाजन ले लीजिए, मीरा कुमार ले लीजिए, बाल योगी ले लीजिए, जनता देश की जनता हमको चुन करके भेज। देखिए विजय जी, ये स्पष्ट कर पाए ना कर पाए, लेकिन मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि इस बार इनका स्पीकर का पद चले ना चले, लेकिन इस बार इनकी तानाशाही नहीं चलने वाली है। इस बार विपक्ष मुखर होकर अपनी बात रखेगा, और जो इन्होंने गत कार्यकाल में हरकतें की थी, हमारे सांसदों का निलंबन किया था, वो इस बार चलने वाला नहीं होगा। और जिस तरीके से आज उन्होंने शुरुआत की है ना, मुझे नहीं लगता कि ये अपने इस कार्यकाल को पूरा कर पाएंगे, क्योंकि उस समय विपक्ष कहीं ना कहीं कमजोर था, लेकिन इस बार जो विपक्ष है बड़ा मजबूती के साथ उतरा हुआ है। और आपके माध्यम से मैं हिदायत देना चाहता हूँ लोकसभा अध्यक्ष जी को कि इस बार जो भी निर्णय लें बड़े सोच समझ के लें, पक्षपात को लेकर निर्णय ना लें, नहीं तो इस बार चलना तो बहुत दूर की बात है, घर से बाहर तक नहीं निकलने दिया जाएगा। बड़ा चैलेंज है, बड़ी नसीहत और चैलेंज किया जा रहा है। ओपी जी, विजय जी इनको बोल दो जब इनका नंबर आए तब बोले, तब ज्यादा अच्छा लगेगा, बीच में नहीं बोले। नहीं नहीं, नंबर तो आ जाएगा, नंबर तो हमें देना होता है, इस बार जनता ने हमें वो आशीर्वाद दिया है कि ओपीजी की बात पूरी हो, आप हमारी बात पूरी हो जाएगी, रवि जी कर सकते हैं, या हम आपके आदेश का इंतजार नहीं करेंगे कि आप हमें बताएं कि हमें कब बोलना होगा कब ना बोलना होगा। आपसे सिर्फ इतना ही बोला जा रहा है कि आपके माध्यम से आप अध्यक्ष को अवगत करा दें कि विपक्ष के साथ दोगला व्यवहार इस बार नहीं चलने वाला है। चलिए चलिए ओपीजी की सुन लेते हैं। ओपीजी बोलिए, और कुछ बोलना है तो और बोल लीजिए। बोलिए बोलिए ओपी जी, बोलिए आप। अरे बोलते रहेंगे, इस बार तो हम बोलते रहेंगे, बोलती बंद करते रहेंगे, लिस्ट बोलेगा तो जनता के भी समझ में आएगी, बोलते रहेंगे और बोलती बंद करते रहेंगे, बोलते रहेंगे और बोलती बंद करते रहेंगे। नहीं, बोलती बंद किसकी हुई है, पिछले 40 साल से बोलती बंद तुम्हारी है। पिछले कार्यकाल में जिस तरीके से हमारे सांसद साथियों की बोलती आपने बंद की थी ना, इस बार रिपोर्ट आपसे दिया जाएगा कि आप इस बार दोगला चरित्र का प्रमाण अगर लोकसभा में दिया तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसकी शुरुआत उन्होंने आज कर दी है। आज इतना अच्छे तरीके से लोकसभा की शुरुआत हो रही थी, वहां पर आकर इस तरीके की बात रखना, किस तरीके का परिचय दिया लोकसभा अध्यक्ष ने आते ही, जहां पर हमारे राहुल गांधी जी उनको सह सम्मान छोड़कर आते हैं, जिसको पूरा देश देख रहा है हमारे चरित्र को, और आप आकर बैठते ही वहां पर शुरू हो जाते हैं। अरे भैया धैर्य रखो, इस बार आपकी दावत होने वाली नहीं है। आप कहां पे हैं, आप अपनी गिनती करिए,
हैं कहां पे आप? 99 पे, और चाहिए कितने? 272। छाज बोले से बोले हैं जितने आपको घुटनों के बल टिका सकते हैं, राहुल जितने तो हम हैं जितने आपको घुटनों के बल टिका सकते हैं। गिनती पर नहीं जाए, गिनती पर तो आपको जाना चाहिए। आपको दर्दर पर भटकने के लिए मजबूर कर दिया। हम तो उतने हैं और हम जितने भी हैं उतने बंपर शेर हैं। मेरे जितने भी हैं उतने बंपर शेर हैं। अच्छा अच्छा, के लिए तो काफी है। अच्छा, मुझे सुनने में जो आया था किसी कांग्रेसी लीडर ने ये बोला है, हालांकि मैं उसकी बात उनकी बातों पर विश्वास कमी करूंगा, लेकिन फिर भी वो जब आए विजय जी इनके कि यहाँ पे मैं खड़ा हो जाता हूँ, यहाँ पे तू मत खड़ा होना, यहाँ पे मैं खड़ा हो जाता हूँ, यहाँ पे तू मत खड़ा होना, एक कांग्रेस के यहाँ पे मैं नहीं होऊंगा। आपने नहीं किया, आपने नहीं किया। 543 पे खुद जीत कर आए हो क्या? इतनी उछलने की जरूरत नहीं है, उछलने की 543 पे जीत कर आए हो क्या? ओपी जी, एक कांग्रेस लीडर ने ये कहा था कि 39 पार्टियों के साथ लेकर चुनाव लड़ा है, उसके बाद जाकर तोड़ जोड़ करके प्रधानमंत्री बने हो, तो ये आप छोड़ो। 370-400 ये आपका फेल हुआ है, हम नहीं फेल हुए, हमारे पास तो मजबूत है। उछलने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज बढ़ानी है। ये उछल कूद तो आपकी बंद की है, जनता ने आपकी उछल कूद बंद की है। अरे विजय जी, कल एक बात देखिए, माननीय मोदी जी कहा करते हैं कि हम विपक्ष कांग्रेस को खत्म कर देंगे, और कल लोकसभा में कहते हैं कि स्वच्छ लोकतंत्र के लिए विपक्ष आवश्यक है। क्यों भैया, आज आपको आवश्यकता क्यों आ गई? आज आपको ये कथन क्यों याद आ रहे? क्योंकि जनता ने ठोक कर तुम्हें कहा है कि विपक्ष के बिना तुम लोग कुछ नहीं हो, और जनता को उम्मीद विपक्ष से है, इसलिए इतना आशीर्वाद दिया है हमें कि हम आपके नाक में नाक डालकर काम कराएंगे। और आप देख लीजिएगा जिस तरीके से आपने शुरुआत हुई नीट की, नेट की, विपक्ष के एक नेता का ये कहना, विपक्ष के एक नेता से मेरी बात हुई थी ओपी जी, और आप भी सुन लीजिए रवि सिद्धकार जी, कि हमारा टारगेट कुछ और है, इसलिए हमने विरोध नहीं किया लोकसभा स्पीकर का। क्या कहना है आपका ओपी जी? कोई 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 वो नहीं है इनका टारगेट। क्या टारगेट है? इनको दिख रही थी सामने हर अच्छी नहीं, देखो पहली बात तो इन्होंने परंपरा, सुनो विजय जी, अब तो देखो महत्वपूर्ण मुद्दे पे जिस पर चर्चा हो रही है ना, मैं चाहता हूँ उसी पे चर्चा हो, ना कि इधर उधर के तू तू मैं हो, उससे कोई अर्थ नहीं निकलता, ना तो जनता उसको पसंद करती है। भैया आपकी टीम को बड़ा समझा तेरा कि आज भैया पद ग्रहण का दिन है, आज बंद करके बातें करके नहीं करना, शुरुआत तो आप लोग कर देते हो। इतना अच्छा वातावरण था लोकसभा का, इतना अच्छा वातावरण था, लेकिन आपसे शुद्ध वातावरण देखा ही नहीं जाता। इस देश में स्वच्छ सुंदरता तो आपको दिखाई देती नहीं है, बस आकर कंकर मारने का काम कर दो, उसके बाद विपक्ष तो आपको इस बार मैं कह रहा हूँ ना, आप देखे जाइए। और विजय जी ये क्या कहेंगे मैं बताता हूँ आपको, कि जो हमारे विपक्षी नेता ने कहा है ना कि हमारी प्लानिंग कुछ और है, धीरे 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 सब कुछ हो, धीरे से रखिए, भविष्य के गर्भ में बहुत कुछ छिपा हुआ है। ये फड़फड़ाते रहते हैं, हम काम करके दिखाते हैं और आपको बता देंगे कि ये क्या छिपा हुआ था विपक्ष के मन में। अच्छा चलिए राजपाल जी, मैं ये कह रहा था कल जब हमारे प्रधानमंत्री जी देश को संदेश दे रहे थे, अरे आप बहुत के लिए कहने के लिए हम आ गए, अब आप सुनोगे जनता से, हम जो कहेंगे वो करोगे, कि सांसद अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के संसद के अंदर चर्चा करें, और चर्चा के दौरान उनका कोई प्रतिकूल या अनुकूल उसका रिजल्ट निकले। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, जैसे भाई अभी हल्ला मचा रहे हैं, मेरे को बोलने नहीं दे रहे, ऐसे ही ये संसद में करते हैं। अरे तो झूठ क्यों बोलने देंगे? झूठ नहीं बोलने देंगे, जनता ने ताकत दी है हमें, हमें आपके झूठ को दबाने की ताकत दी है, जनता ने आशीर्वाद दिया है, हमारे अंदर विश्वास जताया है, हमें दायित्व निर्वहन करने की जिम्मेदारी दी है, आपके सुनने के लिए घोषणा बैठे, सुनोगे आप और करोगे आप, सुनाएंगे हम, कराएंगे हम। वो बात तो आज भी बोली उन्होंने कि यदि कोई ठीक ढंग से आचरण नहीं करेगा संसद के अंदर तो उसको फिर से निलंबित किया जा सकता है। इनकी संख्या 99 निलंबित तो भरे गांधी जी को भी किया था, क्या हुआ? पूरा देश हंस रहा था, अभी भी राहुल गांधी जी को भी निलंबित किया था, फिर क्या हुआ? 24 घंटे के अंदर सब कुछ करके फ्री कर दिया था, क्या हुआ? दिखानी पड़ी थी मुंह पे, आपको मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा था। अच्छा विपक्ष ये कह रहा है ओपी जी, ओपी जी कर देंगे, ओपी जी विपक्ष कह रहा है कि अब उनका लीडर, अब उनका लीडर जिसको पप्पू कहा जाता है वो पप्पू नहीं रहा, नेता प्रतिपक्ष है वो, और तमाम जो आपके कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनसे ज्यादा अहमियत रखता है, प्रधानमंत्री के बाद में सेकंड टू पीएम मान लीजिए उसको, और सबसे बड़ी बात है जो तमाम जो आर्थिक मामले हैं जिनको सरकार फैसले सुनाएगी उनके अंदर उसका नेता प्रतिपक्ष का
महती इन्वॉल्वमेंट होता है, और ऐसे में क्या आर्थिक मामलों के जो फैसले हैं उनको सत्तापक्ष बिना नेता प्रतिपक्ष यानी राहुल गांधी के सदन में पास करवा लेंगे? जो गतिरोध जो है या फिर वही गतिरोध देखने को मिलेगा? जी देखिए, मैं ये कह रहा हूं विजय जी कि मोदी जी ने जब कल बोला था, पूरे देश के नागरिकों को संदेश दिया था कि सरकार जो चुनी जाती है वो चुनी जाती है मत से, और फिर सरकार चलती है सर्वमत से, जीतने के बाद में सब एक हो जाते हैं, ना उसमें कांग्रेस का कोई बसता है ना उसमें कोई बीजेपी का कोई बसता है। 543 जो सदस्य होते हैं वो सदन के मेंबर होते हैं, और 543 जो सदस्य होते हैं ये माना था क्या आपने? प्रतिनिधित्व करने ये मानते थे क्या यार? सुन लो, मानते थे क्या आप? लेकिन इस बार मानोगे आप? इस बार ऑडियो बंद कर दो, क्योंकि आदत से मजबूत कर दो बंद। आपके कहने पर चलेगा टीवी चैनल? जो आपके कहने पर चलेगा टीवी चैनल? अरे भैया, अरे तो आपके जमाने कि आपके इशारों पे मीडिया का रवि जी एक बार यादव साहब चलेगी आपकी, यादव साहब को बात पूरी कर लेने दीजिए, आपका भी मौका होगा। रवि जी एक बार यादव साहब को बात करिए। बोलिए यादव साहब, बोलिए। आदत से मजबूर होते हैं, आदत से मजबूर होते नहीं, आदत से मजबूर हो क्या यादव साहब? बोलिए, विपक्ष में बैठा हूं मैं, उसका धर्म का निर्वहन कर रहा हूं, झूठ नहीं बोलूंगा। चित्रण यहीं पे हो रहा है, ये संसद वाला चित्रण यहीं पे कर रहे हो क्या आचरण आप? संसद में आपने की है शुरुआत, आपने की है बड़ी नेतृत्व, बहुत ही सुंदर तरीके से आज शुरुआत की थी संसद की, लेकिन आप वाले अध्यक्ष ने तो आकर जो शुरुआत की है ना, उसका यही जवाब होगा और भुगतना पड़ेगा पूरे 5 साल। पहले बात तो 5 साल चलने वाले नहीं हो, और चल भी गए गलती से तो वो कैसे चलोगे हम बताएंगे। अच्छा राजपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? राजपाल जी आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। राजपाल जी आपके जी आप सुन पा रहे हैं? जी जी बताइए। अभी ओपी जी ने आचरण की बात की तो मैं उसी पे एक लाइन जोड़ना चाहूंगा। एक्चुअल में आज एक नई शुरुआत के साथ में देश को बहुत ही उम्मीदें थी कि जिस प्रकार का अहंकार और घमंड पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार ने दिखाया, और एक लेवल पे तो वो कांग्रेस मुक्त और विपक्ष मुक्त भारत की बात करने लग गए थे, तो उससे जब बाहर निकल के आए हैं तो ऐसा लगा था कि शायद वो उनके आचरण में कुछ बदलाव आएगा, वो थोड़े से डाउन टू अर्थ आएंगे। लेकिन जिस प्रकार से आज ओम बिड़ला जी ने, अगर आपने आज लोकसभा की कार्यवाही देखी हो, तो एक प्रकार खड़े होके सांसदों को बिठाने के लिए जिस प्रकार की टोन का, जिस प्रकार व्यवहार किया, बहुत ही एक डिसरेस्पेक्टफुल तरीके वाला व्यवहार था, और जिससे वही कहावत याद आ जाती है कि लेकिन बल नहीं गया, वो जो कड़ और वो जो धमक जिसके कारण से लोगों ने उन्हें, भारत के लोगों ने उन्हें सबक सिखाने के। अच्छा अच्छा राजपाल जी आपसे नकार दिया यार, तुम क्या कहेगा दुष्प्रचार करते, किसने नकार दिया? वोट परसेंटेज देखिए कि तुम्हारी 470 जीत रहे थे ना, याद है क्या? तुम्हारी रस्सी जल की कुछ याद है क्या मेरे भाई? ओपी जी आपको 470 का अरेस्ट कर रही है, ईडी तुमको अरेस्ट कर रही है, और तुम मुख्यमंत्री अपने पद होकर के सरकार चलाना चाहते हो जेल में, समय पे ड्राइवर पे साथियों पे खड़ा कर दिया, तुम्हारी पार्टी से बात होगी हैं, तो आप की बात करते हो रस्सी से। अच्छा राजपाल जी आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, वोट परसेंटेज आप बात पूरी कीजिए अपनी, फिर मैं एक सवाल और पूछूंगा आपसे। राजपाल जी बिल्कुल बोलिए। हाँ जी सर, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? मैं ये पूछना चाह रहा था कि सदन के बाहर आज बड़ी खुशी का माहौल था, खुशी का माहौल इसलिए था क्योंकि नेता प्रतिपक्ष चुने गए राहुल गांधी, और तमाम जो अपोजिशन के जो नेता थे, जो अपोजिशन के जो भी राजनीतिक दल हैं उनके नेता हैं, उनका कहना था कि अब हमारा नेता खड़ा हो गया है और उसको अब सीधे पीएम मोदी को टक्कर देंगे। क्या उम्मीद है आपको? क्या इस तरह की बयान आई आ रहे हैं जिस तरह के प्रधानमंत्री से सीधे टक्कर लेंगे राहुल गांधी, और अब संविधान की रक्षा हो गई, अब मनमाने तरीके से फैसले नहीं होने दिया जाएंगे, और किसानों की बातें हैं उनको दबने नहीं दिया जाएगा। क्या आपको क्या सिनेरियो हो, किस तरह चलेगा ये सदन? क्या हंगामेदार ये कार्यवाही करने का जो ये पुराना जो रवैया उसी को अख्तियार किया जाएगा, या फिर
जो बेस है, जो आधार स्तंभ है सदन का, जो सदन का पटल है, उस पर अपना पक्ष रख, जो परंपरागत तरीके से रखा जाएगा नेता प्रतिपक्ष द्वारा। विजय जी देखिए, जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं उनका दायित्व होता है कि वो सदन की कार्रवाई एक बहुत ही निष्पक्षतापूर्ण वातावरण में सभी लोगों की बात सुन के एक अच्छे तरीके से निर्वहन करें। लेकिन हमने पास्ट में देखा कि ऐसा यूजुअली होता नहीं है और उनका रवैया जो है वो पक्षपातपूर्ण होता है। इस बार चूंकि हमारी जो जो क्षमता है, जो हमारी पावर है वो ज्यादा है, तो निश्चित तौर पे हम ओम बिड़ला जी को खुद नहीं बैठने देंगे। किसानों के मुद्दे पे, मणिपुर के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे, पेपर लीक के मुद्दे पे, और जो जिस प्रकार से भारत के संसाधनों को प्राइवेट हाथों में जो दो बड़े बिजनेसमैन है उनको जो बेचने का उपकरण जो मोदी जी ने पिछले बार चलाया था डीमोनेटाइजेशन के नाम पे, इन सभी मुद्दों पे हम एक मजबूत विपक्ष बन के मजबूर करेंगे प्रधानमंत्री को कि वो जवाब दें सदन के अंदर। जो खुद भी लूट चल रही थी पिछले 10 सालों से, उसके ऊपर हम प्रतिबंध लगाने का, उसको रोकने का भरपूर प्रयास करेंगे। तो इस बार पिछली बार वाली सरकार नहीं है, इस बार हम काफी मजबूत हैं, अपनी आवाज को मजबूती से सदन के अंदर रखेंगे। ओपी जी आपका क्या कहना है? बड़ा उत्साहित है विपक्ष नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बनने के बाद में, और ये भी कह रहा है कि जिस राहुल गांधी को पप्पू कहा जाता था वो पप्पू नहीं है, वो परिपक्व हो गए हैं और सदन में अहम भूमिका निभाएंगे, कैबिनेट मिनिस्टर से ज्यादा अहमियत रखेंगे और जो तमाम जो फैसलों पर अब जो सरकार को उनकी उनकी सलाह मशवरा लेना पड़ेगा। इसके साथ ही सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जो स्पीकर का चुनाव हुआ है, स्पीकर को लेकर जो तमाम तरह की जो बातें चल रही थी विपक्ष के द्वारा, और विपक्ष अभी भी कह रहा है कि अब हम स्पीकर, जिस तरह की आपके साथ जो आपके डिबेट में जो साथी बैठे हुए हैं कांग्रेस से, वो कह रहे हैं कि अब नहीं चलने दी जाएगी ओम बिड़ला जी की, अब मनमानी नहीं करने दी जाएगी, तो ये संवैधानिक पद है और संवैधानिक पद की एक गरिमा होती है, क्या इस गरिमा को आपको क्या लगता है 5 साल में चोट पहुंची, जो विवादास्पद इश्यूज जो हुए वहां पर क्या लगता है कि विपक्ष पर विपक्ष सही कह रहा है, कहीं ना कहीं ठीक ठहरा रहा है? क्योंकि कई उदाहरण है, पीए संगमा, सोमनाथ चटर्जी, इन्होंने बहुत अच्छी तरह सदन को चलाया, यहां तक कि कुछ मामलों में तो अपने जो राजनीतिक दल हैं उनके भी खिलाफ वो गए हैं और कई राज्यों में भी इस तरह का देखने को मिला है। तो उस परिप्रेक्ष्य में क्या कहना चाहते हैं, किस तरह लेंगे आगे वाले जो 5 साल के कार्यकाल को और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर जो भूमिका है उसको? देखिए विजय जी, पिछले जो 5 साल का हम यदि लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल की तुलना करें तो सबसे ज्यादा यदि कार्य हुआ है तो 2019 से और 2024 के बीच में हुआ है, और जितने भी देश में जितने भी रिफॉर्म्स हुए हैं, जितने भी ट्रांसफॉर्म परफॉर्म हुए हैं, जो जनता को जो हित में थे वो जो निर्णय हुए सबसे ज्यादा उस कार्यकाल में हुए हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि विपक्ष का नेता यदि राहुल जी बने तो अच्छा है, कुछ उनको भी सीखने को मिलेगा, क्योंकि जब कोई एक अनुभवी व्यक्ति के संपर्क में, अनुभवी व्यक्ति के साथ में, जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी ने कहा है कि बनता है बहुमत से, चलता है सर्वमत से, उन्होंने मतलब मोदी जी से लड़ते लड़ते वो बहुत कुछ सीख जाएंगे, आपका कहने का मतलब बने तो नेता विपक्ष की राय लेंगे ना, किसी ने मना थोड़ी किया है, लेकिन जो अच्छी राय होगी उनकी, अच्छी जो कल्पना होगी उनके, अच्छे विचार होंगे उनके ऊपर सहमति भी होगी। कौन किससे सीख रहा है इसी बात से सिद्ध हो गया है, जो स्वतंत्र लोकतंत्र लोकतंत्र की एक परिभाषा थी कि विपक्ष का मजबूत होना, ये मोदी जी को अब तक समझ में नहीं आता, लेकिन राहुल गांधी जी ने उनको सिखा दिया है, अगर सीखे सिखाए थे तो लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। राहुल गांधी जी मोदी जी आएंगे और पढ़ाने का काम राहुल गांधी जी करेंगे और मजबूती के साथ देश की जनता ने पप्पू नाम रखा ना, किस तरीके से चलता है, कम से कम पप्पू से तरीके से चलाया जाता है, बापू बनेगा तो सही, रवैये से नहीं, बापू तो बनने दो उसको, अब बनेगा भी नहीं बनेगा वो तो भविष्य में भी देखिए, वो तो अभी बने लिए जा रहे हो, कितने दिन सदन में रहता है, कितने दिन वहां आपको, जब इंडोनेशिया, जब आप अपने आप को आईने में देखेंगे तो आपको खुद पर ना देखें, और कितने कितने दिन वो बाहर विदेश में रहता है वो तो अभी समय बताएगा, वो तो अभी कौन किसको सिखा रहा है, सिखा दिया
विपक्ष का सम्मान जो विपक्ष को खत्म करने आए थे वो विपक्ष का सम्मान करने लग गए। ये सिखाया है हमें, कोई दुख नहीं हुआ विपक्ष को खत्म करना। अच्छा आज अखिलेश यादव ने एक व्यंग्यात्मक 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 टिप्पणी की, देश को चलाना का चलाने का काम ओपी यादव साहब खत्म करने काम नहीं। ओपी यादव जी आज अखिलेश यादव ने एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी की जब उन्होंने अपना उद्बोधन दिया सदन के भीतर अपनी बात रखते हुए, और कहा कि जो सदन के भीतर मैं पहली बार आया हूं और मैंने देखा है जो आसन की जो स्थिति है, आसन मुझे लगता था कि आसन बहुत ऊंचाई पर है लेकिन ऐसा नहीं लगा, और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि आसन की जो कुर्सी है उसकी हाइट और ऊपर बढ़ जाए। तो कहीं ना कहीं व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि गरिमामय तरीके से आसन चले, विपक्ष को भी सुना जाए और किसी भी तरह के पक्षपात का रवैया नहीं अपनाया जाए, विपक्ष को दबाया नहीं जाए। तो ये एक तरह से व्यंग्य बाण छोड़ा उन्होंने। ऐसा है विजय जी, जब किसी के पास बोलने का कोई सामान नहीं होता है ना तब वो इस तरह की बातें करता है। आपके जो लक्ष्य को अगर आपके लक्ष्य को यूपी में रोकने वाले जो आपको पूर्ण बहुमत से रोकने वाले शायद अखिलेश यादव ही हैं। कहना ये चाहिए था लाने वाले आदमी है, केवल ये जो पास क्या सामान है वो आपके मोदी जी को रात को नींद में आके जगाते होंगे, अखिलेश जी के नाम से नींद टूटती होगी आपके मोदी जी की। यदि यदि वो अखिलेश तो देश को भी गर्व होता और देश के नागरिकों को भी गर्व होता, और जिन्होंने उस भवन को बनाने में अपना पूरा पसीना बहाया, जिन मजदूरों ने, जिन श्रमिकों ने, जिन कारीगरों ने, जिन आर्किटेक्ट ने, उनको भी गर्व होता यदि ये बोलते। तो इनके तो नेगेटिविटी भरी पड़ी, नकारात्मकता जिस व्यक्ति के दिमाग में होगी वो नकारात्मक की बात करेगा, अच्छा पक्ष थोड़ी सोचेगा, आधा गिलास भरा है आधा खाली है वो आधा खाली बोलेगा। शिवसेना के एक सांसद है अरविंद गणपत, उन्होंने ये भी कहा था कि विपक्ष नफरत चाहता है, नफरत नहीं चाहता है, हार्मोनी चाहता है, सद्भाव चाहता है। ये तो देश को वापस ले जाना चाहते हैं, बैलेट में कहते हैं ना बैलेट सद्भाव, अरे सद्भाव चाहते हैं। दुनिया बहुत रही है, आप शांत दुनिया बोल रही है, सूरज है छोटी बातों के अलावा वापस कहते हैं आप नहीं, हमने हमने तो यही शपथ लेते हैं तंबू में ही रहने दो, कल राहुल खड्डे में रहने दो, इनको खड्डे में रूड़े में खड्डे में पड़े रहने की आदत है, वहीं पे पड़े रहेंगे, इनका दिमाग वहां से आगे जाएगा ही नहीं। और ये कांग्रेस में कह रहा हूँ आज की तारीख में सबको लेकर के डूबेगी ये कांग्रेस, अखिलेश यादव को भी खा जाएगी देखना आप, अभी आगे आने वाला समय बता देगा, अखिलेश यादव को खा जाएगी कांग्रेस। अब आप थोड़ा धीरज रखो विजय जी, आप देखिए हमारा इस बार का चुनावी एजेंडा देखिए और दूसरी तरफ इनके एजेंडे देखिए, हिंदू मुस्लिम मंगलसूत्र भैंस चोरी पलाना ढीकड़ा, हमारे पास युवा न्याय महिला न्याय श्रमिक न्याय, इसके अलावा कोई बात नहीं थी। हाँ तुमने तो गरीबी हटाओ का नारा दिया था बेहतर में, अरे 1972 में गरीबी हटाओ का नारा दिया था ना तुमने, हटी का गरीबी थी वो उम्मीद, साथ ही आप देखिए हटी का कांग्रेस से गरीबी हटी, कल कितना गरीबी हटाओ का नारा कर दिया था, आपका जन्म भी नहीं हुआ होगा उस समय, जन्म भी नहीं होगा जब गरीबी हटाओ का नारा दिया था। श्रीमान जी पहले इतिहास पढ़ गया आपने, और इमरजेंसी कब लगी थी उसका इतिहास पढ़ गया लेते हैं, शपथ लेने के बाद इमरजेंसी कब लगी थी उसका इतिहास पढ़ गया हो, तुम्हारे बात करने वाले के बाद यातनाएं मिली थी पढ़ गया ना, कर्मचारी से हाथ मिलाया उससे साफ साफ स्पष्ट होता है कि राहुल गांधी जी के हृदय में कितनी गहराई है, हर व्यक्ति के लिए कितनी गहराई है, गहराई नहीं है राहुल गांधी में, सिर्फ मानवीयता के लिए काम करने के लिए आए हैं राहुल गांधी में, कोई गहराई नहीं है राहुल गांधी, यदि अभी ये कहते हैं कि मैं संसद में 5 मिनट बाद पता नहीं लगेगा कहाँ पे इंग्लैंड गया या इटली गया या इंडोनेशिया गया या, लेकिन अब उनको गंभीरता तैयार करनी पड़ेगी क्योंकि नेता प्रतिपक्ष का ओपी जी जीत कर आए, ओपी जी अब तो उनको उन्होंने बहुत सोच समझ कर फैसला लिया होगा, निश्चित तौर पर तरीके से बात कीजिए, एक बार आने तो तरीके से बोले सांसद के लिए, अभी तो शुरू संवैधानिक पद पे बैठे हैं वो, अपनी औकात ना दिखाए यहाँ पर आके, लिमिट में बोले सांसद आपकी मेहरबानी से नहीं आए हुए हैं वो, किसकी मेहरबानी से, तमीज से, मेहरबानी से, ये तो रोडों पे घसीटे, हमारी मेहरबानी से देख लेना रोडों पे घसीटेंगे, अभी बहुत हो चुका है तुम्हारा, हमारी मेहरबानी से हुआ है, हमारा समय है
राहुल गांधी जी को तूतला कैसे बोला है, माफी मांग लो, किसके वोट से बना है ये तो धुआं निकाल दूंगा मैं तुम्हारी, क्या कर रहे हैं यहाँ बैठ के, एक चुनेरे सांसद को कैसे बोल सकते हो आप तूतला कैसे, क्या क्या तू तड़ा कैसे बोला है, तू तड़ा कैसे कैसे बोला आपने, यही तो बोला नहीं, यहाँ चला जाएगा वहां चला जाएगा, नहीं मिलेगा, हाँ कैसे बोला, अच्छा चला जाएगा और क्या बोल, क्या बोलेंगे, तमीज से बोल, तमीज से बोल, नहीं चला चला जाएगा ही तो बोला जाएगा, तमीज से बोल, सांसद है वो, जनता ने चुनकर भेजा, तेरी मेहनत नहीं है वो, फालतू की इसको इंडिविजुअल मत ले, अपनी बहन अपनी हाथ लगा के बात कर रहा हूँ तो आप सुनने की आती है, ठीक है, तो राहुल गांधी जी है देश के, भाषाई मर्यादा थोड़ी सी, भाषाई मर्यादा रखिए, नहीं तो भाषाई मर्यादा रखिए थोड़ी सी, थोड़ी है मैं आप लगा के बात कर रहा हूँ, स्वच्छ राहुल गांधी जी के लिए स्वच्छ और स्वस्थ बहस होनी चाहिए, मुद्दा देश के लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है, लोकतंत्र के सबसे अहम जो किरदार है उसकी भूमिका को लेकर आज डिस्कस हो रही है, पूछ रहा हूँ, प्रतिष्ठित चैनल के एडिटर है आप, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या होता है चला जाएगा, अमेरिका व्यक्ति है ना कोई, पांच आदमी जाएंगे क्या जो चले जाएंगे, अकेला ही तो जाएगा, तमीज से, तमीज से, तमीज से, चलिए अभी मैं क्या तमीज से, आप दोनों से ही कह रहा हूँ, भाषा मर्यादा, भाषा मर्यादा बना रखें, दस साल से तुम्हारी बकवास देख रहे हैं, अब नहीं चलने वाली है तुम्हारी बकवास, अच्छा चलिए चलिए इसको अभी ये बकरे काम यहाँ पर मैं दिखाऊंगा, अच्छा सुनिए ओपी जी आपसे सवाल, उम्र में बहुत छोटा हूँ लेकिन, और आपने भी देखा होगा मैं पूरी डिबेट ओपी जी के बात कर रहा हूँ, ये आप कह रहे हैं राहुल गांधी जी विदेश चले जाएंगे, आपसे आने वालों के परिवार से है वो इंसान, उनमें जनसेवा है उनके, उसका इतिहास पहले पहले कई बार गए ना छोड़ करके, रवि जी एक बार एक एक छोटा सवाल पूछना है, छोड़ के गए आपके नेता का ही सवाल है रवि जी, आपके नेता को सवाल है एक बार सुन लीजिए, एक मिनट आप भाषा ही मर्यादा रखिए प्लीज, ओम प्रकाश जी ओपन जी, लोक लेखा समिति के मुखिया होंगे नेता प्रतिपक्ष, निश्चित तौर पर जो अहम अहमियत जो पद है और उसकी अहमियत को समझेंगे वे, काफी डॉक्यूमेंटेशन उनके पास होंगे, तमाम जो मुद्दे हैं जो पिछले पांच साल में दस साल में जो जिन पर वो बोल नहीं पा रहे थे उन प्रयास करेंगे, किस तरह स्टैंड करेगा उनके सामने, अटेंडेंस पूरी होगी जब ही तो समझ पाएगा ना आदमी कैसे, अटेंडेंस तो उनको पूरी करनी पड़ेगी सोच समझ के, उन्होंने फैसला लिया होगा पूरे पांच साल, बहुत ये तो विपक्ष अपने नेता को संभालेगा, विपक्ष अपने नेता चलने वाला है, इसको बरकरार रखना बराबर बना के रखना, इसको बहुत देख ली दस साल से बकवास देखे जा रहे हैं हम, आगे क्या हो जाएगा, चलिए ओपी जी बताइए आप कुछ कह रहे थे, वही तो मैं कह रहा हूँ, अभी आने दो जरा समय, आने दो इंतजार करो ना, हाँ तो तमीज से बोलेंगे, तमीज से बोलेंगे नहीं रवि जी, क्योंकि वो भी जोड़ा उठा के भाग जाएगा, वो तो खुद कहता है कि मैं तो जोड़ा फकीर हूँ जोड़ा उठा के भाग जाऊंगा, ये मैं भी कह सकता था रवि जी, एक बार राजपाल जी, मैं राहुल गांधी जी का अनुयायी हूँ, उनका सैनिक हूँ मैं, हमारे को मुद्दों पर लड़ना आता है, हमें राजपाल जी की बातों पर लड़ना आता है, ठीक है, आम आदमी पार्टी भी इस बार इंडिया गठबंधन में शामिल होकर चुनाव लड़ी थी, तो बहुत उम्मीद रखती है, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं, राहुल गांधी पर कुछ ये जो पद मिला नेता प्रतिपक्ष का उसकी काफी रेस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, और उनको लेकर ऐसे कहा जाता रहा है कि वे राजनीतिक रूप से परिपक्व नहीं है, सत्ता पक्ष कहता रहा है, साथ ही ये भी कहता है कुछ मामलों में गंभीरता भी नहीं दिखाते, विदेश चले जाते हैं घूमने, लेकिन दो साल से तो सत्ता पक्ष भी मानता है और कि दो साल से वो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, लोगों को भी जा रहे हैं, क्या लगता है आपको पांच साल नेता प्रतिपक्ष की भूमिका को अच्छी तरीके से बेहतर तरीके से निभा पाएंगे, अपनी तमाम रेस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा पाएंगे, क्योंकि किसानों के मुद्दे पर, महिलाओं के मुद्दे पर, युवाओं के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, और जो सबसे बड़ा एजेंडा उन्होंने हाथ में रखी एक छोटी सी किताब संविधान की, उस एजेंडे पर वे कामयाब हो पाएंगे, इसके अलावा कुछ जो कई समितियां हैं उनके अध्यक्ष उनको बनाया गया है जिसमें वे प्रधानमंत्री के फैसलों को भी रोक सकते हैं, क्या उम्मीद लगाते हैं आप जो विपक्ष में रहकर कि आपके विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी से? विजय जी देखिए जो आपने बात अभी बोली कि दो साल पहले क्या परसेप्शन बनाया गया था, तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की एक जो आईटी सेल है उसने बहुत ही सुनियोजित तरीके से भारत में विपक्ष को खत्म करने की सुपारी लेके उनका काम गवर्नेंस से ज्यादा ओपोजिशन के कैरेक्टर्स
को जो हमारे लीडर्स थे उनका कैरेक्टर असैसिनेशन में ज्यादा ध्यान रहता था और उसी कड़ी के अंदर उनको बहुत बदनाम करने की कोशिश की गई। हालांकि वो वैसा केस है नहीं। हम देखेंगे जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन के लीडर्स ने पिछले आप दो साल का पीरियड देखे, हालांकि गठबंधन बाद में फॉर्मली अनाउंस हुआ, लेकिन जिस प्रकार से हमारे लीडर्स लोगों के बीच में गए, यात्राएं निकाली और जनसंपर्क जो किया, तो असली जनता के मुद्दों को जो समझ है वो इंडिया अलायंस के लीडर्स के पास में है, न कि उन लीडर्स के पास में जो बंद कमरों में अडानी और अंबानी के साथ बैठ के भारत के संसाधनों को किस प्रकार से बेचा जाए उसके ऊपर ध्यान लगाने के बजाय ये मणिपुर में जाके, ये किसानों के लिए बेरोजगार युवाओं के बीच में जाके उनकी समस्याओं को सुना है, ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ है। मुझे विश्वास है कि जो हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी जो जिम्मेदारी उनको मिली है उसका निर्वहन करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। अच्छा, आपके नेताओं पर जो ट्रायल चल रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? अभी जो बयान आया कि केजरीवाल ने सीबीआई की तरफ से बयान आया कि केजरीवाल ने जो सिसोदिया है उनके खिलाफ में बयान दे दिया है कि उन्होंने वे लिप्त रहे हैं जो शराब घोटाला मामला है उसमें, और उसके बाद जब केजरीवाल से पूछा तो केजरीवाल ने इससे इनकार कर दिया। क्या मानते हैं कि कोई ये जो पूरा प्रकरण है उसको लेकर? अब आप देखिए विजय जी, किस प्रकार से संपूर्ण जो ढांचा है, जो मीडिया स्पेस है, जो आपके पास इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसका किस प्रकार से दुरुपयोग किया जा रहा है। जो स्टेटमेंट अरविंद केजरीवाल जी द्वारा जारी नहीं हुआ उसको सीबीआई के माध्यम से आया हुआ बताकर पूरी तरह उसको फैलाया जा रहा है। आज अरविंद केजरीवाल के उनके स्टेटमेंट की बदौलत यह पूर्णतः साफ हो गया कि इस प्रकार का कोई भी स्टेटमेंट अरविंद केजरीवाल ने नहीं दिया, और सिर्फ बीजेपी की जो कुटिल राजनीति है, जो किसी भी हद तक जाकर जो हमारे जो भी पूरा सिस्टम उसको तहस नहस करके एक डिक्टेटरशिप लाके उसको अपने कंट्रोल में लेने की जो उनकी आदत है, उससे बाज नहीं निकल रही थी। भारत की जनता ने बहुत फैसले दिया, लेकिन फिर भी अभी मैंने जैसे भी पहले कहा कि जो रस्सी जल्दी गया उसी तर्ज पे वो काम करते हुए अभी भी नजर आ रहे हैं। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत की जनता ये सारी चीजें देख रही है, इंडिया गठबंधन बिल्कुल साथ में है, और हम जल्द ही इसके ऊपर कोई बड़ा निर्णय लेके इसको पूर्ण तरीके से इस मुद्दे को उठाएंगे। जी ओपी यादव जी, ओपी जी दोबारा कनेक्ट हो रहे फिर? चलिए ठीक, बैटरी गई। चलिए राजपाल जी आपसे पूछ लेते हैं, पांच साल का कार्यकाल है लोकसभा स्पीकर का, और इस पांच साल के जो पिछला कार्यकाल देखा था आपने, उसमें किस बात को लेकर आप की एक्सपेक्टेशंस थी, क्या एक्सपेक्टेशंस थी मतलब विपक्ष की, जो पूरी नहीं हो पाई? क्योंकि सत्ता पक्ष तो आज भी दावे कर रहा था सदन के भीतर कि लोकसभा स्पीकर ने महिलाओं को लेकर और नए युवा सांसदों को लेकर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए थे, रात को 12-12 बजे 2-2 बजे तक जो हाउस की प्रोसीडिंग चली थी, और इस बीच कई जो ऐसी जो कार्रवाई के मुख्य बिंदु होते हैं जो प्रोसीडिंग के, वो समझाए थे किस तरह जो प्रश्नकाल और जो अन्य जो प्रोसीडिंग के जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में गहराई से एक एक चीज को बारीकी से समझाया था। तो वो उन तमाम मुद्दों को लेकर तो सत्ता पक्ष ने अपनी बात रखी है। सत्ता पक्ष की तरफ से आज ललन सिंह हैं उन्होंने उनकी तारीफ की थी। इसके अलावा जो चिराग पासवान हैं उन्होंने भी उनके कार्यकाल की काफी तारीफ की थी कि वह युवाओं को साथ लेकर चलते हैं ओम बिरला। आप किस तरह से देखते हैं ओम बिरला को? देखिए विजय जी, एक्चुअल में होता क्या है कि जो स्पीकर पद है उसकी अपनी गरिमा होती है, उसको जैसा मैंने पूर्व में कहा कि उनको बिना किसी पक्षपात कि उनको सभी को एक समान ट्रीट करना होता है, देश को आगे बढ़ाना होता है। लेकिन जो आप अपने कर्तव्य से विमुख होते हैं और उसमें डिवेट होते हैं, आज जैसे अखिलेश यादव जी ने कहा कि स्पीकर को खुद के मन की करनी चाहिए, न कि किसी के इशारों पे उनको चलना चाहिए। पिछले देखा कि जिस प्रकार से ओम बिरला जी ने सिर्फ इशारों पे, चाहे वो अमित शाह के सारे नरेंद्र मोदी के सारे पे हो, काफी बार सदन की कार्यवाही में इस प्रकार के इनके स्पीच रहे, उनके बर्ताव रहा, उनकी चीजें
जिनके चलते आज हम कहने को तो बहुत ही एक विवादास्पद टेन्योर, लेकिन मैं विवादास्पद नहीं कहूंगा, बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण टेन्योर कहूंगा, एक बहुत ही गलत टेन्योर कहूंगा कि जिसमें स्पीकर ने गरिमा को खोया, वो रूलिंग पार्टी के दबाव में आ गया और उसने एक्टिविटीज ऐसी की जिससे कि देश हित का कोई सरोकार नहीं। तो इस बार जब आपने मुझसे सवाल पूछा कि कौन से मुद्दे होंगे की प्रमुखता से उठाया जा रहा था, जो युवाओं का बेरोजगार देश में सबसे बड़ा है, उसके समाधान के लिए हमें कोई ना कोई एक्शन लेने पड़ेंगे। बहुत ही मैं कहूंगा एक टिकिंग, जिस प्रकार से पहले जो रिपोर्ट आई गवर्नमेंट की, खुद की रिपोर्ट है कि 80 लाख जो धंधे थे वो बंद हो गए, कितने ही करोड़ लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ जिस प्रकार किसानों ने एमएसपी की मांग रखी है, वो जो तीन काले कानून जो जबरदस्ती ऑर्डिनेंस के माध्यम से मोदी सरकार पिछली बार ले आई थी, तो किसानों का मुद्दा भी ऐसा लाभ है। तो आज की तारीख में किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए एमएसपी की गारंटी के साथ में कानून बनानी पड़ेगी। और चूंकि अभी हम संसद सदस्य है, हम बिल्कुल से इन बातों को तरीके से उठाएंगे और रूलिंग पार्टी को प्रेशर बनाएंगे कि वो जनहित के मुद्दों की बात करें, ना कि देश के संसाधनों को बेचने और अपनी पावर को शोकेस करके उसके ऊपर चले। अच्छा रवि जी, लोकसभा स्पीकर का चुनाव तो हो गया, लेकिन काफी जो मुखर हो रहे थे आपके लीडर के, हम भी सरकार बना सकते हैं, तो मौका था आपके पास, जो इस तरह के दावे कर किए जा रहे थे कि हमारे पास, राहुल गांधी कह रहे थे कि हमारे पास जो सत्ता पक्ष के कई जो एनडीए के कई जो सांसद हैं, करीब 53 सांसद है, वो हमारे संपर्क में हैं, तो अगर आपको मौका था तो सत्ता क्यों नहीं बनाई? क्योंकि अगर ऐसा मौका है तो आपने, अगर ऐसा मौका चूक गए तो दोबारा आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे, जिन्होंने 10 साल का कार्यकाल किया, जिनके सिस्टम, जिन पर आप लोग जो विपक्षी राजनीतिक दल हैं वो लगातार ये आरोप लगाते रहे कि उन्होंने सिस्टम को पूरी तरह हैक कर लिया है, आप आरोप लगाते रहते हैं कि वो सांसदों को, विधायकों को खरीद कर जो सरकारें बदल देते हैं, सरकारें पलट देते हैं, तो फिर आज अगर आप ये दावा कर रहे हो 53 सांसद आपके संपर्क में थे, तो आप दावा पेश कर सकते थे, आप कोई ना कोई जो स्थितियां इस तरह की बनाते, या आपकी कोई अभी प्लानिंग चल रही है कि हम इस सरकार को 5 साल पूरा नहीं होने देंगे? देखिए विजय जी, जो आप बातें कह रहे हैं, और मैं आज स्पष्ट करता हूं कि मैं, खैर आला कमान के निर्णय से जो भी है वो बड़े सोच समझ कर लिए गए, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि जो भी चीजें थी वो भविष्य के गर्भ में छिपी हुई है। आप धीरे धीरे देखिएगा कि किस तरीके से भविष्य में क्या क्या चीजें होने वाली है। और रही बात देखिए सरकार की, हम मजबूत विपक्ष में रहते हुए हमें सिर्फ और सिर्फ जनता के हितार्थ कार्य करने हैं, तो हमने जो वादे किए, हमने जो हमारा न्याय पत्र जारी किया, हमने जो उसमें उल्लेखित बातें की, हमें उसको संपूर्ण करना है और विपक्षी भूमिका में रहते हुए उसको पूरा करेंगे। हम युवाओं के लिए काम करेंगे, हम महिला सशक्तिकरण के लिए काम करेंगे, हम किसानों के लिए काम करेंगे, हम श्रमिकों के लिए काम करेंगे, हम हर वर्ग के लिए काम मजबूती के साथ करने वाले हैं। रही बात सत्ता दल की या सत्ता प्राप्ति की, सत्ता प्राप्ति के लिए ये काम नहीं किए जाने वाले होते हैं, इनका सिर्फ मेन उद्देश्य, हमारे राहुल गांधी जी का एक उद्देश्य है कि सबको साथ लेकर, पूरा इंडिया गठबंधन साथ आकर लोगों के हित के काम करें। और देखिएगा अभी तो शुरुआत हुई है, और देखिए विजय जी आज का एक सबसे अच्छा वातावरण बताता हूँ मैं आपको, एक बोलते हैं ना कि गाँव के साथ बाड़े दे देते हैं, आज इस डिबेट से भी वो चीज स्पष्ट हो चुकी है। जिस तरीके से भाजपा के साथी की बैटरी लो होकर जाना, हो सकता है बैटरी लो का तो एक बहाना हो, उनको तो डिबेट छोड़कर जाना हो, तो ये स्पष्ट हो चुका है कि मजबूत विपक्ष कितने मजबूती के साथ बैठा हुआ है। और ये सारी चीजें देश की जनता के हित में है और विपक्ष की मजबूती का पर्याय है। अच्छा क्या लक्ष्य है इंडिया गठबंधन का, लक्ष्य क्या है ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, वो आपने पूरा जवाब नहीं दिया जी। इंडिया गठबंधन का मैं आपको बता चुका हूँ, हमारे साथी आम आदमी पार्टी के साथी भी बता चुके हैं कि हमारा एक ही उद्देश्य, एक बुक लेकर घूमते हैं आपके जो तमाम जो नेता है, संविधान की बुक लेकर घूमते हैं जी। क्या संविधान की का जो एजेंडा जो आप लेकर चल रहे हैं,
उस पर विपक्ष कह रहा है कि संविधान को तो कोई बदल, सत्ता पक्ष कह रहा है संविधान को तो कोई बदलता ही नहीं है, ये जबरदस्ती का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, और इसको लेकर ही उन्होंने जो चुनाव को पलटने की कोशिश की है। निश्चित तौर पर उसका कुछ निश्चित तौर पर उसका फायदा मिला होगा आपको, क्योंकि आपने इस मामले को, इस मुद्दे को बहुत बड़े लेवल पर जो विपक्ष ने खड़ा किया था, संविधान को बदल देगी अगर सत्ता पक्ष में, सत्ता में आ जाएगी बीजेपी और 400 अगर सीटें इनकी आ गई तो, उसका फर्क भी पड़ा है। लेकिन क्या वाकई में कोई इसके अंतरिम तौर पर इसका कोई आपने कोई लक्ष्य लेकर चल रखा है कि संविधान को बीजेपी कुछ नुकसान पहुंचा सकती है और उसको इस तरह रोकना है, कोई प्लानिंग कर रखी है, कोई पाइपलाइन में कुछ इसको लेकर कोई प्रोग्राम है आपका? विजय जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपको भी जानकारी होगी, जब ये 400 पार का नारा लगाते थे तब इनके भाजपा के सांसद प्रत्याशी या बड़े बड़े नेता और आरएसएस के भी लोग स्पष्ट कहा करते थे कि इसलिए 400 सीटें लाना आवश्यक है। बड़े बड़े मंचों के माध्यम से कहा गया है कि 400 की आवश्यकता क्यों है, और सिर्फ संविधान की रक्षा के लिए चुनाव के मैदान में थे। हम ही नहीं, इस बार जनता ने चुनाव ही संविधान को बचाने के लिए लड़ा है, जनता वर्सेज संविधान को खत्म करने वाले लोग थे। और हम आज देखिए, जो लोग संविधान को खत्म करने की बातें करते थे, आप चरित्र देखिए ना, वही सदन में पहुंचकर सबसे पहले संविधान को नतमस्तक होते हैं, क्योंकि उनको संविधान की असलियत पता चल गई थी कि वास्तविकता में संविधान ही है सब कुछ, जो है उसी की ताकत की बदौलत आज वो इस स्थिति में आकर खड़े हुए हैं, हम इतने मजबूत स्थिति में आकर खड़े हैं। और रही बात संविधान की, हम संविधान की कॉपी हाथ में लेकर नहीं, हम संविधान के ध्येय को अपनी आत्मा में बसाकर काम करने वाले लोग हैं। हमने संविधान के लिए हमेशा काम किया है और हम हमेशा लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए काम करते रहेंगे। अच्छा, आपके जो लीडर्स है विपक्ष के, वो ये कहते रहे हैं कि जो ओम बिरला है जो लोकसभा स्पीकर, उनका जो पिछला कार्यकाल है भारतीय इतिहास में किसी स्पीकर का इतना खराब कार्यकाल नहीं रहा। फिर आपने, आपके जो लीडरशिप थी जो आज, उन्होंने उसको स्वीकार कैसे कर लिया, विरोध क्यों नहीं किया? कहा तो आप कह रहे थे कि चुनाव के लिए आपने के सुरेश का नाम भी दे दिया था, फिर अगर प्रोटेम स्पीकर ने उसको खारिज कर दिया था तो आप विरोध कर सकते थे, लेकिन आप लोगों ने उसको निर्विरोध चुन लिया गया, चुनाव कर दिया और समर्थन दे दिया था। देखिए विजय जी, जो कुछ भी किया गया है आज बड़ा सोच समझ कर किया गया है, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इस बार की परिस्थितियां विगत 10 साल की परिस्थितियों से बहुत अलग है। इस बार ओम बिड़ला जी चाहकर भी विपक्ष को नहीं दबा पाएंगे, इस बार चाहकर भी कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि हमारे पास संसद और मजबूती के साथ सड़कें दोनों है, हम मजबूती के साथ काम करने वाले हैं। क्योंकि पिछली बार तो हम नहीं कहते, पूरा देश कहता है, पूरा देश जानता है, और उसी रवैये की वजह से आज इनकी दुर्दशा हुई है कि किस प्रकार से 100 से ऊपर हमारे सांसदों की बोलती बंद कर देते हैं, राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द कर देते हैं, हम कहीं पर भी बोलने लगते हैं तो सदन को रोक देते हैं कि आज की कार्यवाही यही बंद कर दी जाती है। तो कुल मिलाकर वो एक भाजपा की कठपुतली बनकर बैठे हुए थे, क्योंकि उनके पास पूर्ण बहुमत था, विपक्ष कमजोर था, इस वजह से इतना लड़ नहीं पाया, झगड़ नहीं पाया। हम सड़कों पर लड़े लेकिन संसद में मजबूती से नहीं लड़ पाए, लेकिन इस बार हम मजबूती के साथ संसद में भी है, सड़कों में भी है। हमारे पास इतना मजबूत ताकत है जिसका अंदाजा शायद मोदी जी को हो भी चुका है और अब उनके रवैये से स्पष्ट भी होने लगा है। तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, जनता की ओर से मैं जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार विपक्ष मजबूती के साथ काम करेगा, और मैं आपके चैनल के माध्यम से इनको चुनौती भी देता हूँ और इनको हिदायत भी देता हूँ कि जो हरकतें इन्होंने 10 साल तक की वो अब चलने वाली नहीं, जो 5 साल में खास करके ओम बिड़ला जी का कार्यकाल रहा, विशेष करके 5 साल की बात करता हूँ, जो आपका कार्यकाल 5 साल वाला रहा वो इस बार कतई नहीं चलने वाला है और बर्दाश्त भी नहीं किया जाएगा। आपका जो चरित्र पूरे देश ने देखा पिछले 5 साल का, वो अब कहीं पर भी दिखाई नहीं देगा, ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ। ओपी यादव जी हमारे साथ दोबारा संपर्क में, फोन पर कनेक्ट है। यादव साहब, ये कह रहे हैं जो 5 साल का जो कार्यकाल था पिछला, वो अब वैसा कार्यकाल अब नहीं होगा, भले ही आपके ओम बिड़ला दोबारा जो लोकसभा स्पीकर चुन लिए गए हों, और जो सदन के बाहर आज जो तमाम जो विपक्षी नेता हैं उन्होंने ये इसका जिक्र भी किया था कि जो इतिहास में, भारतीय इतिहास में पहली बार, लोकसभा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था, जो पिछला 5 साल का कार्यकाल सबसे खराब कार्यकाल गुजरा था ओम बिड़ला के अध्यक्षता में। चलिए राजपाल जी, आप बताइए कि ईडी की मार, सीबीआई की मार,
और कोर्ट पर भी कहां तक भरोसा करें? एक कोर्ट अगर बेल देती है तो दूसरे कोर्ट से उम्मीद जाती रहती है, ईडी पहुंच जाती है कहीं ना कहीं रुकवाने के लिए। कैसा लग रहा है आपको, क्योंकि आप जिस तरह का जब केजरीवाल बाहर निकल कर आए थे जेल से, बड़ी उम्मीदें थी उनसे और उन्होंने पूरा फाइट भी अच्छे तरीके से किया है इलेक्शन, हालांकि सात में से एक भी सीट दिल्ली में नहीं ले पाए, लेकिन विपक्ष का साथ मजबूती से दिया। आप विपक्ष से क्या उम्मीद करते हैं आप विपक्ष में रहकर? और दूसरी बात ये कि कोर्ट पर कितना भरोसा है आपको, कोर्ट के किस तरह का फैसला लेगा? विजय जी देखिए, भारतीय जो न्याय प्रणाली है, हमारा जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम है, उस पर आम आदमी पार्टी 100% भरोसा करती है। हमें किसी भी कोर्ट पर कोई किसी प्रकार का संदेह नहीं है। लेकिन जहां तक बात अभी ईडी और सीबीआई की चल रही है, तो ये जो गवर्नमेंट की जो बॉडीज मेडली ऑटोनोमस होनी चाहिए, इनकी स्वतंत्र होनी चाहिए, इनको बीजेपी ने पिछले 10 साल के कार्यकाल में पालतू कहें या पालतू कुत्ता कहें, वो जिस प्रकार से सर्कुलेशन को निर्देशित करती है वही काम ये करता है। वो बिल्कुल से विश्वास लायक नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही काम रह गया है कि किसी प्रकार से जो हमारे विरोध सबसे पहले तरीके से आवाज उठाए उसको सबसे पहले परेशान करते। क्लासिक केस एग्जाम्पल सामने है, दिल्ली इसलिए जाना जाता है, पिछले आप दिल्ली तस्वीरों के कारण जाना जाता है, विश्व स्तरीय स्वास्थ्य और विश्व स्तरीय शिक्षा। शिक्षा किसने प्रदान की? मनीष की, दिल्ली की सरकारी स्कूलों की चर्चा दिल्ली में नहीं, पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में नहीं। उनको बीजेपी सरकार ने ईडी और सीबीआई के माध्यम से रखा। जो वहां की स्वास्थ्य सुविधाएं, दिल्ली के जो अस्पताल है उनकी दुनिया उन्होंने जेल में रखा हुआ है, जहां पे हमारा जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम कहता है इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी, उसके उल्टा जाके उन्होंने एक है जिसमें की है कि आप गिल्टी हो जाओ साबित नहीं करते, तो उसी के तहत उसको सरकार ने जो आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े परिवार मनीष और एक बार संजय जेल में रखा और उन्हें प्रतिक्रिया। लेकिन मैं आपको बता दूं विजय जी, पार्टी के नेता बब्बर शेर है, मोदी और सरकार की नहीं करते, उन्हें जेल में रहना मंजूर है। लेकिन हम इस प्रकार के ये जो लोग जिन्होंने अंग्रेजों की मुखबिरी की, जो पूछते हैं गोप से जो पूछने वाले लोग हैं, उनसे हम डरने वाले नहीं है। हम बहुत ही मजबूती से इनका मुकाबला करेंगे और इंडियन जुडिशियल सिस्टम है उसकी मदद लेते हुए हम जेल से निकलेंगे और देश की जनता के सामने व्यक्तियों इन समस्त चीजों को देख रही है, समझ भी रही है और समय आने पर इन्हें बहुत ही प्रॉपर तरीके से जवाब भी दिया जाएगा। यादव जी, जिस तरह का ये आरोप लगा रहे हैं राज्यपाल जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? जिस तरह का राज्यपाल जी आरोप लगा रहे हैं कि तमाम जो ऑटोनोमस बॉडीज हैं, जो तमाम जो सरकारी एजेंसियां हैं, उनको हथियार लेके 10 साल से मोदी सरकार विपक्ष को कमजोर कर रही है, विपक्ष को परेशान कर रही है, विपक्ष का मनोबल तोड़ रही है, ताकि विपक्ष की भूमिका ही नहीं रहे और सरकार मनमानी कर पाए, क्या मानते हैं आप? ये अपने विधायक हिसाब से फैसले चुनते हैं, जब इनको जमानत मिल जाती है, जब तो सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छा है, न्याय प्रणाली हमारे देश की बहुत अच्छी है, और जब इनके केस निकल के आते हैं, सीबीआई इनको रिमांड पे लेती है, तो इनके लिए न्यायपालिका बेकार हो जाती है, मोदी जी का हो जाता है। न्याय प्रक्रिया, संवैधानिक प्रक्रिया, राजनीतिक प्रक्रिया, ये तीनों अलग अलग पहलू है। न्याय प्रणाली अपने हिसाब से काम करती है, उसमें ना तो किसी सरकार का कोई कंट्रोल होता है ना, और वो अपने न्याय के हिसाब से, यदि न्यायिक होती ये सही होते तो इनको जमानत ही मिल जाती। हाई कोर्ट क्यों इन पे बैन लगाता है लोअर कोर्ट के उस पे फैसले पे, ये बताइए ना, कोई ना कोई कमी होगी, तभी तो अंदर जेल में एक एक साल, डेढ़ डेढ़ साल, दो दो साल से जो जेल में है,
और वो छूट नहीं पा रहे, कोई ना कोई कमी होगी तभी तो नहीं छूट पा रहे ना। दूसरा, कांग्रेस प्रवक्ता अभी बोल रहे थे संविधान जानते हैं 1975 में 1975 में रक्षा करी थी जेल में बैठने क्या है क्या है ये तो इन्होंने बताया ना, इस वजह से जीते हैं। यहाँ पे तू खड़ा हो जाना, यहाँ पे मैं खड़ा नहीं होऊंगा, यहाँ पे मैं खड़ा हो जाता हूँ, यहाँ पे तू खड़ा मत होना। इनका कोई कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं आई, केवल ये काम आई है कि एक दूसरे को बिठा करके आप यहाँ पे मत लड़िए, मैं यहाँ पे लड़ लेता हूँ, और कोई इनकी रणनीति काम नहीं। इनका वोट परसेंटेज क्या है? कहते थे वो शेर अकेला चलता है, और 240 बीजेपी के कितने सहयोगी दल है, जनता दरबार के दर्शकों को बताएं, आप जनता दरबार के दर्शकों को बताएं कि बीजेपी के कितने सहयोगी दल है। जो शेर अकेला चलता है का नारा बीजेपी देती थी, वो अपने साथ में 40 साल से 150 से पार नहीं की विजय जी, 150 से पार नहीं की, और अब की बार तो 99 पर रहेगी, और अगली बार 90 पे ही रह जाएगी 2029 में। अगर इनके थोड़ा पानी पी लो, इनको अभी 99 में इतने घमंट हो रहा है ना, 99 में इनको जीत दिख रही है, तो इनको इनकी जीत मुबारक है। तुम 9 पे रुक जाओ 2019 में, अगर तुम्हारी ये इलेक्शन पार्टियां है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एनडीए में कुल कितने दल है? लोग के ऊपर रह जाओगे तुम? अरे मेरे भाई सुन लो शांति से, एनडीए में कुल कितने दल है मैं आपसे पूछ रहा हूँ? मैं आपके दल में कितने दल है, और अभी कितने टूट टूट के भाग रहे हैं? हम तो सबको साथ लेके जाने वाला काम कर रहे हैं, यहाँ मत लड़ो, यहाँ हम लड़े, वहां तुम लड़ो, वहां हम नहीं लड़े, आप कितने के साथ आए हो पहले ये स्पष्ट करो। रवि जी लेकिन थोड़ा बहुत मलाल नहीं है आपको? कुछ सीटें और आनी चाहिए थी कांग्रेस की, विपक्ष में भी सीटें कुछ ज्यादा आनी चाहिए थी। नहीं है अगले वाले को ये देख रहे हैं। अरे भैया किस तरीके का, क्या क्या जनता हंस रही है आप पे कि खुद 38-39 दलों को साथ लेकर चुनाव लड़ रहे हो, और आपके ऊपर हंस रही है जनता, आपके ऊपर हंस रही है, आप 99 में बैठे हो और अपनी जीत महसूस कर रहे हो, खुश हो रहे हो, 99 में सीटें आ गई। अगर यूपी में अखिलेश यादव का साथ नहीं होता तो तुम सुनने पर रहते, शेम। यूपी में अखिलेश यादव का साथ नहीं होता तो सुनने पर रहते तुम, यूपी में शेम कहता हूँ, शेम। 8 सीटें भी नहीं आती तुम्हारी, ये बकवास कर रहे हो, शेम। नीट क्या, नीट पश्चिम बंगाल में क्या हाल हुआ है? नीट पश्चिम बंगाल में क्या हाल हो गया? नीट नीट मणिपुर में कौन जवाब देगा? बोलने को नहीं मिला, मणिपुर देश का हिस्सा है या नहीं है? ओपी यादव जी बताइए, अरे आप बताइए, बोल गए कि मणिपुर देश का हिस्सा, मणिपुर चुनाव के बाद मणिपुर याद आता है, मणिपुर भी है, कश्मीर भी है, मणिपुर भी है। रीक नीक चीन जो हमारी हमारी जमीन पर बैठे उसका क्या बोलेंगे आप? चीन हमारी जमीन को कब्जा के बैठा हुआ, और आप सारे जीवन यही करते रहना, इसी में खुश रह लेना, यही पे घूमते रहना, नीट रीचीट चीट में आगे मत बढ़ना उससे। चलिए खैर सही बात है, आपको भविष्य के साथ खिलवाड़ करने इस मुद्दे पर आगे भी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने दे, आगे आगे देखते हैं। आगे सदन की कार्यवाही जो शुरू हुई है, प्रोसीडिंग शुरू हुई है, अभी तो लोकसभा स्पीकर का चुनाव हुआ है, आगे कई तरह के जो एजेंडे हैं, कई तरह के जो अमेंडमेंट बिल्स हैं वो सदन के पटल पर रखे जाएंगे, और कई जगह तकरार भी देखने मिलेगी, कई जगह माहौल में गर्माहट भी देखने को मिलेगी, कहीं ना कहीं सामंजस्य दोनों ही राजनीतिक दलों को सामंजस्य बनाकर चलना होगा, तमाम जो राजनीतिक दलों को पक्ष विपक्ष को अब एक दूसरे को साथ लेकर चलना होगा, क्योंकि निश्चित तौर पर यह माना जा सकता है कि लोकसभा स्पीकर का जो पद है वो पद एक पार्टी विशेष से निकलकर आया है, लेकिन सही मायने में अगर देखा जाए तो ये जो पद है ये एक संवैधानिक पद है, निष्पक्षता वाला पद है, और जो भारतीय इतिहास को अगर देखें तो भारतीय इतिहास में ऐसे कई जो लोकसभा स्पीकर रहे हैं
जिन्होंने अपने अपने पक्ष की, अपनी पार्टी की भी नहीं मानी और किसी की मनमानी नहीं चलने दी, और जो एक गाइडलाइन है, जो एक आसन की जो गरिमा है उसको साथ में रखते हुए, उसका ध्यान रखते हुए और आगे बढ़े हैं, उन्होंने उसका आसन का संचालन किया है, सदन का संचालन किया है, और यही उम्मीद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के दूसरे कार्यकाल से भी लगाई जा सकती है, क्योंकि विपक्ष को, विपक्ष भी एक तरह से जनता का ही अक्स होता है, जनता की आवाज होता है, और निश्चित तौर पर इस बार लग रहा है कि ओम बिरला एक नजीर पेश कर सकते हैं, उनके पास एक बहुत अच्छा मौका है। जनता का जो एक सबसे बड़ा सदन है, लोकसभा का सदन, उसके बहुत बड़े जो पद पर वो आसन आसीन हुए हैं, और आसन की गरिमा अब जो कायम रहे, यही उम्मीद है। इसी उम्मीद के साथ हमारे तमाम मेहमानों का आज की जो डिबेट है उसमें बहुत बहुत धन्यवाद शामिल होने के लिए। नमस्कार।